अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग के स्टूडेंट हैं या आप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं या आप सीख रहे हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें इस लाल बटन को और सब्सक्राइब के बाद इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले हमारे चैनल का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों मेरे साथ में है कुछ स्टूडेंट और हम यहाँ पे बात करेंगे बहुत सारे सेक्शंस की। जैसे हम बात करेंगे स्पीकर सेक्शन, रिंगर सेक्शन, माइक सेक्शन, वाइब्रेटर सेक्शन, हम बात करेंगे टच की और भी हम कुछ बात करेंगे दोस्तों। तो ये एक मल्टी सेक्शन होने वाला है दोस्तों। आप बताइए आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? मेरा नाम मुन्ना राम है, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। सर मेरा नाम श्रीराम जाट है, मैं जोधपुर राजस्थान से। सर मेरा नाम अरविंद कुमार गुप्ता है, मैं यूपी महाराजगंज से हूँ। मेरा नाम प्रकाश कुमार है, मैं उड़ीसा से आया हूँ। मेरा नाम ईश्वर खेरवाल है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मेरा नाम उत्तम मंगलानी है और मैं जबलपुर से आया हूँ। मेरा नाम रवि गुप्ता है, मैं दमोह से आया हूँ। मेरा नाम समीर खान है और मैं यूपी से आया हूँ। तो दोस्तों आपने इन सब के नाम देखे और देखा कि कहाँ कहाँ से आए हैं। ये अधिकतर हमारे यहाँ जो भी आते हैं ऑल ओवर इंडिया के नए नए शहर या अलग अलग शहरों से आते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो चलिए मुझे बताइए कि देखिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि स्पीकर और रिसीवर में क्या अंतर है, क्या समानता है, क्या असमानता है। तो आप बताइए कि एक स्पीकर और एक रिसीवर में क्या समानता है, क्या असमानता है, बताइए। स्पीकर जिससे हम कॉलिंग के दौरान बात सुनते हैं उसे स्पीकर कहते हैं, और MP3 वगैरह जो भी गाना सुनते हैं उसे हम स्पीकर कहते हैं। हाँ, मतलब जिसमें हम कॉलिंग के दौरान बात सुनते हैं उसको रिसीवर बोलते हैं। हाँ। और जिसमें हम गाने वाने सुनते हैं उसको स्पीकर बोलते हैं। तो रिसीवर कैसे दिखने में, एक स्पीकर से बड़ा होता है कि छोटा होता है? रिसीवर सर छोटा होता है, स्पीकर बड़ा होता है। बड़ा होता है। तो बताइए रिसीवर को और क्या बुलाया जा सकता है? रिसीवर को सर ईयर पीस बोलते हैं और स्पीकर को बजर भी बोलते हैं। बजर बोलते हैं, चलिए वेरी गुड। तो मुझे बताइए कि एक ईयर पीस या जिसके हम बात कर रहे हैं रिसीवर, उसको मल्टीमीटर से कैसे चेक करें? सर उसको हम बाजार रेंज पर रखेंगे और उसके टेस्टिंग करेंगे जिसमें हम 28 से 32 का वो मिलना चाहिए। हाँ, मतलब उसमें बजर मोड पे रखने के बाद में उसकी टेस्टिंग करेंगे और कितनी रेजिस्टेंस मिलना चाहिए उसका? 28 से 32 बीप के साथ। बीप के साथ मिलना चाहिए, ठीक है। तो मुझे आप बताओ कि उसमें बीप क्यों मिलनी चाहिए? सर उसमें एक ही कॉइल लगा रहता है, इसलिए एक ही कॉइल मैग्नेट के ऊपर लगा होता है जिससे दो छोड़े निकले होते हैं। तो अगर वो बीप नहीं देगा तो कॉइल क्या माना जाएगा? ओपन। सर ओपन माना, कॉइल ओपन माना जाएगा, ठीक है। तो मुझे आप बताओ अगर मेरे पास मान लीजिए कोई भी मोबाइल आता है, कोई लेटेस्ट मोबाइल आता है, आईफोन, एंड्रॉइड या चाइना या कोई सा भी मोबाइल आता है सैमसंग का, अगर उसमें ईयर पीस रिसीवर काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले मैंने जैसे आपने बताया कि रिसीवर कैसे चेक करते हैं, अभी उसके बाद क्या चेक करना है बताइए। सर पहले तो हम क्लीन करेंगे, फिर उसके टिप्स पर कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि वो क्लीन क्यों करेंगे हम उसको? सर उसमें वाटर डैमेज के कारण और डस्ट के कारण उसको क्लीन किया जाता है, आगे सप्लाई नहीं जाता। सप्लाई नहीं जाती है इसके, उसको क्लीन किया जाता है, ठीक है। हमने उसको क्लीन किया, आप मुझे बताओ क्लीन करने के बाद में उसका अगला स्टेप क्या होगा? सर उसमें हम कोल्ड टेस्टिंग करेंगे, मतलब उनके टिप्स पर। कोल्ड टेस्टिंग कहाँ करेंगे? उनके टिप्स पर, टिप्स पर। और वो टिप्स कहाँ होती है? जहाँ पे वो कनेक्ट होता है, कनेक्ट होता है सर। और कोल्ड टेस्टिंग के दौरान मुझे कितनी रेजिस्टेंस मिलना चाहिए? 400 से 600 मिलना चाहिए। प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली। हमने आईफोन जब हमने प्रैक्टिकली चेक किया था, तो मुझे बताओ कि आईफोन में ईयर पीस में कितना हमें रीडिंग मिला था? सर 300 से 350। 300 से 350 मिला था आईफोन के अंदर। अच्छा मुझे बताओ कि दोनों पॉजिटिव होती है या प्लस माइनस होता है? दोनों पॉजिटिव होती है। दोनों पॉजिटिव होती है। तो आप मुझे बताओ कि बहुत से अधिकतर लोग ये समझते हैं क्योंकि उसमें तारों में भी कलर होता है ब्लैक और रेड, और उसमें प्लस माइनस लिखा होता है, तो वो कैसे पॉजिटिव, कैसे प्लस माइनस क्यों नहीं हो? सर उसमें एक मैग्नेट लगा होता है, मैग्नेट के ऊपर एक कॉइल लिपटी होती है, तो इस कारण वो पॉजिटिव, मतलब एक ही कॉइल होता है जिसके दो सिरे उसमें लगे होते हैं, इसलिए दोनों पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो हमें कोल्ड टेस्टिंग करना है और कोल्ड टेस्टिंग के दौरान हमें रेजिस्टेंस आना चाहिए 400 से 600 में प्रैक्टिकली, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अभी हम इसके आगे पूछते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मान लो मैं कोल्ड टेस्टिंग कर रहा हूँ किसी टिप्स पर और मुझे रेजिस्टेंस, मतलब मुझे खराब हुआ, खराब मिला या फिर तब भी काम नहीं कर रहा, तो वो खराबी मुझे कैसे पता चलेगी, क्या आएगा? अगर खराब होगा तो हमें ओपन मतलब रीडिंग नहीं आएगी अगर मल्टीमीटर पे। हाँ, तो ओपन होगा, ओपन होगा। तो अगर बीप आया तो शॉर्ट होगा, वेरी गुड। तो अगर मुझे बताइए अगर जैसे कि ओपन आ रहा है, रेजिस्टेंस नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या फॉल्ट है? तो सर एक्चुअली जैसे आपने बताया ट्रैक ओपन हो चुका होगा। हाँ, इसलिए हमें जो है ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, ट्रेसिंग करने के लिए मान लो जैसे आईफोन है, सैमसंग है, क्या मुझे सर्किट डायग्राम की जरूरत है? नहीं सर, जैसा आपने बताया हमें किसी भी सर्किट डायग्राम की जरूरत नहीं है, ट्रेसिंग का हमें पता चल जाता है, वेरी गुड। बताइए अगर रेजिस्टेंस नहीं मिला और बीप मिला, तो इसका क्या फॉल्ट है? उसमें शॉर्ट है, शॉर्टिंग है जी सर। तो शॉर्टिंग कहाँ हो सकती है, मतलब क्या शॉर्टिंग जो आसपास कॉम्पिटेंस लगे होते हैं उसको शॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आप मुझे बताओ
कि सॉर्टिंग सीरीज कनेक्शन में होता है कि पैरेलल कनेक्शन में होता है? सीरीज में नहीं होता, पैरेलल पैरेलल में होता है। अच्छा मुझे ये बताइए, एक रिसीवर की सप्लाई लाइन में सीरीज में क्या कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं? सर सीरीज में रजिस्टर लगा हो सकता है, कॉइल हो, कॉइल हो सकता है। आईफोन में हमने देखे थे उसमें क्या लगे थे सर? कॉइल, कॉइल लगा था। हमने सैमसंग में देखे हैं, सैमसंग में पैरेलल क्या लगे होते हैं सर? पैरेलल में बढ़िया डायोड लगे, डायोड लगे होते हैं, जनरल डायोड लगे होते हैं, और उसके बाद में कैपेसिटर, कैपेसिटर। और हम और चाइना मॉडल में क्या लगा होता है? चाइना मॉडल मॉडल में सर एक लगा हुआ कैपेसिटर तो पैरेलल में, और फिर सीरीज में रजिस्टर, और उसके बाद डायरेक्ट कहाँ जाता है सर? सीपीयू में, सीपीयू में जाता है। क्या तुमको ये सब ढूंढने के लिए कोई सर्किट डायग्राम की जरूरत होगी? नहीं, हो नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपने देखा रिसीवर, तो आप मुझे बताओ कि बजर, बजर क्या होता है? बजर सर रिंगटोन के लिए बजाते होता है। अगर कॉल आ रहा है तो फिर वो बजर बजता है, या फिर हम अगर कोई सॉन्ग प्ले करते हैं तो फिर वो बजर बजर बजता है। बजर को जैसे स्पीकर भी कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। तो मल्टीमीटर से वो बजर या स्पीकर कैसे चेक करोगे? सर बजर की जो दोनों टेप्स होती हैं उस पे हम मल्टीमीटर से बीप मोड पे अगर लगाएंगे तो वो बीप देना चाहिए, क्योंकि वो अंदर कंटिन्यूटी रहनी चाहिए और उसमें एक ही कॉइल रहती है, तो वो दोनों पे, दोनों टेप पे बीप देगा। और रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए? रेजिस्टेंस 8 से 10 ओम्स आना चाहिए। 8 से 10 ओम्स आना चाहिए, वेरी गुड। अगर जैसे उन्होंने बताया कि बजर को चेक करने की विधि, क्या बिल्कुल सही बताई उन्होंने? अगर उसके बाद भी मेरा नहीं बज रहा है तो इसके बाद मैं क्या चेक करूंगा? सर क्लीन करेंगे, क्लीन करूंगा, उसके बाद कोल टेस्टिंग करेंगे। कोल टेस्टिंग करूंगा। कोल टेस्टिंग पे जैसे कि हमने तुमने पूछा है, तो हम तुमसे भी पूछ रहे हैं कि बजर पे कोल टेस्टिंग में क्या रीडिंग आनी चाहिए? सर कोल टेस्टिंग में अपने को रीडिंग आनी चाहिए प्रैक्टिकल बेस में 250 से 600, 250 से 600 में आनी चाहिए। ठीक है, तो 250 से 600 जो रेजिस्टेंस आता है, वो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या रहता है? वो किसका आउटपुट रहता है? वो सर एक आईसी का आउटपुट, आईसी का आउटपुट रहता है, आईसी का आउटपुट रहता है। अब मुझे ये बताइए, अगर वो नहीं मिला तो क्या है? ओपन सर, मतलब रेजिस्टेंस नहीं मिला तो ओपन, और बीप मिला तो शॉर्टिंग है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, तो स्पीकर के टेप पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव होते हैं? प्लस माइनस होता है, क्या होता है? सर पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, मतलब दोनों पे आना चाहिए। ठीक yes, है, वेरी गुड। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने देखा स्पीकर और हमने देखा रिसीवर, इन दोनों की हमने देखी है। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से नहीं देख रहे दोस्तों, तो पीछे करके देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, यहाँ पे ज्ञान मिल रहा है कि आपको चेक कैसे करना है। तो आप बताइए, एक माइक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक डिजिटल और एक एनालॉग। और एनालॉग माइक कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? यूनिवर्सल और एक क्रिस्टल। क्रिस्टल, वेरी गुड। एनालॉग और डिजिटल दो प्रकार के माइक होते हैं, और एक होता है यूनिवर्सल और एक, और एनालॉग दो प्रकार के होते हैं, यूनिवर्सल और क्रिस्टल। यूनिवर्सल मतलब दो लैग के होते हैं, और क्रिस्टल जिसके अंदर बहुत सारे लैग होते हैं, जो एसएमडी माइक होता है। क्या होता है? एसएमडी माइक होता है। तो आप मुझे बताओ कि कोई भी मेरा मोबाइल है, अगर उसमें डिजिटल माइक लगा या क्रिस्टल माइक लगा, कैसे फर्क पता करूंगा? क्रिस्टल में सर दो आउटपुट निकलता है, और डिजिटल में तीन आउटपुट निकलता है, और वो तीसरा आउटपुट होता है वो कौन सा होता है? सर क्लॉक होता है, क्लॉक सिग्नल होते हैं। वो क्लॉक सिग्नल क्या करते हैं सर? वो हमारी डिजिटल आवाज आगे आईसी तक देता है, मतलब हमारा एनालॉग को हमारे डिजिटल में कन्वर्ट करके ऑडियो आईसी में दे देता है। एनालॉग माइक होता है वो एनालॉग आईसी भेजता है, जिसको ऑडियो आईसी डिजिटल में कन्वर्ट करके सीपीयू में डालता है। ठीक है, वेरी गुड। बताओ एक यूनिवर्सल माइक कैसे चेक करेंगे मल्टीमीटर से? सर उसके एक तरफ रीडिंग आएगी और एक तरफ रीडिंग नहीं आएगी। बेसिकली उस माइक पे कोल टेस्टिंग हो जाती है दोस्तों, क्योंकि प्लस माइनस होता है। आपको रेड प्रूफ को रखना है माइनस पर, और ब्लैक प्रूफ रखना है प्लस पर। तो इसमें आपको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, सेम रिवर्स मोड पे आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलना चाहिए। तो बहुत बढ़िया आपने यहाँ पे बताया, चलिए ठीक है, वेरी गुड है। आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई। आप मुझे बताओ टच कितने प्रकार के होते हैं? सर टच दो प्रकार के होते हैं, एक रेजिस्टिव टच होता है और एक कैपेसिटिव टच होता है। अच्छा, और कैसे मुझे पता, मान लो मैं कोई मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ, या मैं बेच रहा हूँ, या मैं खरीद रहा हूँ, तो कैसे पता होगा कि इसमें कौन सा टच लगा है? सर हम उस मोबाइल का मॉडल नंबर एक्सेट्रा कुछ लगा के, और गूगल में हम जीएसएम एरेना पे वेबसाइट है उस पे अगर ये डालते हैं इसका मोबाइल का मॉडल, तो उसमें हमें सारी डिटेल मिल जाएंगी, इसका टच क्या है और इसका सीपीयू क्या है, सारी डिटेल्स की अवेलेबल रहेंगी, मिल जाती है वहां पर कि कैपेसिटिव लगा है कि रजिस्टिव लगा है। तो अभी रजिस्टिव नहीं होता है, रजिस्टिव दोस्तों बस वन टच होता है, कैपेसिटिव मल्टी टच होता है। तो रजिस्टिव और कैपेसिटिव टच जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप मुझे बताइए कि हम एक टच कनेक्टर को चेक कर सकते हैं? जी सर बिल्कुल चेक कर सकते हैं, मतलब एक टच को चेक कर सकते हैं। हाँ सर। जो पीसीबी के कनेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल।
टच को कैसे चेक, मतलब क्या चेक करते हैं उसमें? सर टच के जो फ्लैश केबल होता है उसपे हम रीडिंग चेक करते हैं, रेजिस्टेंस चेक करते हैं। और वो रेजिस्टेंस हमें मिलता कहाँ से है? वो टच में कंट्रोलर कहाँ से मिलता है? सर वो कनेक्टर पे लगी हुई आईसी का आउटपुट आता है, मतलब टच पे जो कनेक्टर पे आईसी लगी होती है उसका आउटपुट होता है उसका रेजिस्टेंस। तो दोस्तों यहाँ पे हमने रिसीवर देखा, यहाँ पे हमने स्पीकर देखा, यहाँ पे हमने माइक की बात की, हमने टच की सप्लाई बताई। दोस्तों अब हम बात करेंगे वाइब्रेटर की, तो आप मुझे बताओ एक वाइब्रेटर क्या होता है, क्या काम करता है? सर वो अपन जब कॉल आती है ना अपने पास है तो अपन साइलेंट कर लेते हैं, तो जब अपन को वो कंपन करता है तो वो वाइब्रेटर का काम करता है। वाइब्रेटर को अगर तुम चेक करना चाहो कि वो सही है कि खराब है तो वो क्या चेक करोगे? अपन डीसी से वोल्ट से चेक कर सकते, तो क्या होगा वो घूमेगा, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर लगी होती है मोटर। अभी मोटर अगर करंट लेने के बाद में नहीं घूम रही है तो इसका मतलब वो काम करना बंद कर दिया गया है। बताइए अगर वाइब्रेटर कि जैसे वाइब्रेटर बिल्कुल सही है, घूम रहा है तब भी नहीं है, मेरा काम कर रहा है, आईफोन 5 का वाइब्रेटर है, तो मैं कैसे क्या चेक करूंगा उसके बाद? सर उसके टिप्स को सबसे पहले अपन क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद उस पर कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले क्लीन करेंगे, क्यों क्लीन करेंगे, कारण क्या हो सकता है, फॉल्ट क्या क्या हो सकता है? क्योंकि सर उस पे कार्बन हो सकता है, डस्ट जमी हो सकता है, वाटर डैमेज हो सकता है। वाटर डैमेज हो सकता है, तो सबसे ज्यादा पानी जाने के कारण कार्बन जम जाता है, और जहां पर वो उस पे सप्लाइयां वर्क नहीं करती है। और उसके बाद हम क्या करेंगे? कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। कोल्ड टेस्टिंग करेंगे, तो बेसिकली मैं आपसे यहाँ पे आज समझना चाहता हूँ कि कोल्ड टेस्टिंग होता क्या है। तो आज हम जानेंगे कि कोल्ड टेस्टिंग होती क्या है। तो क्या होती है कोल्ड टेस्टिंग, तो बताइए कोल्ड टेस्टिंग क्यों करते हैं? सर हम कोल्ड टेस्टिंग टिप्स के रेजिस्टेंस का मान जानने के लिए करते हैं। वेरी गुड। तो कोल्ड टेस्टिंग में हर टिप्स पे अलग अलग रीडिंग आती है। यहाँ पे हमने टच की सप्लाई देखी, यहाँ पे हमने स्पीकर देखा, रिसीवर देखा, माइक देखा। तो दोस्तों ये है इससे टेलीकॉम के स्टूडेंट, और आशा करता हूँ कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ऐसे ही आपके पास बहुत सारी वीडियो मेरी लिस्ट में डले हैं जिसमें मैंने बहुत सारे सेक्शन यहाँ पे करवाए हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताया हूँ कि जो मेरा नया एप्स है उसमें क्या क्या आपके लिए खासियत है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी एक बुक आने वाली है मोबाइल रिपेयरिंग पर, जो कि एडवांस लेवल पे है, और उस पर अगर आप वो बुक लेते हैं पढ़ते हैं, अगर आप मेरे यहाँ नहीं आ सकते, आप कहीं पे भी नहीं जा सकते, या आपके पास पैसे नहीं है सीखने के लिए, तो वो बहुत सस्ती बुक है, उसको खरीद के आप रिपेयरिंग सीख सकते हैं, पढ़ेंगे तो बुक में प्रैक्टिकल ज्ञान दिया हुआ है। वो बिल्कुल आपको जंपर पे बुक नहीं है दोस्तों, वहां पर आपको फोटो के साथ वहां पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा दोस्तों। तो चलिए वो बुक मेरी लॉन्च होगी नवंबर में। अब मैं इसके बाद बात करूंगा दोस्तों, मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें अगर पसंद आया तो, वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों आपको नीचे दिए लिंक में आपको मेरे एप्स की लिंक मिल जाएगी और मेरी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, इसको जरूर देखें। दोस्तों हमने एक नया एप्स लेके आया है स्मार्टफोन, हम बात करेंगे यहाँ पे पूरा हार्डवेयर की, जो बेसिकली जो हार्डवेयर होता है जिसमें हम सेक्शन वाइज उसको हम बांटते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा कंप्लीट हार्डवेयर सोल्यूशन। आपको करना क्या दोस्तों, इस एप्स को ओपन करना है, एंटर टू इंस्टीट्यूट करना है। मैं आपको इस वीडियो के बाद में बताऊंगा कि इस एप्स को कैसे डाउनलोड करना है। दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा कंप्लीट हार्डवेयर सोल्यूशन, जैसे कि मैं बता रहा हूं मोबाइल फॉल्ट क्या होता है, पीसीबी या स्मार्टफोन रिपेयरिंग क्या होती है, कौन कौन से जो लेवल होते हैं रिपेयरिंग में, कौन सी मेथड होती है, मोबाइल आईसी के बारे में जानकारी, और दोस्तों उसके साथ में जुड़ी जो मेन सेक्शन है जैसे रिंगर सेक्शन, स्पीकर सेक्शन, माइक सेक्शन, वाइब्रेटर डिस्प्ले, और यहां पर आपको मिलेगी कंप्लीट जानकारी। तो दोस्तों इस एप्स को आज ही डाउनलोड करें। इस एप्स को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और वहां पर लिखना होगा दोस्तों एशिया टेलीकॉम, और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद दोस्तों आप चले जाए मेरे किसी भी एप्स पर, और उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाइए, किसी भी एप्स को खोल लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाइए, और यहाँ पे देवव्रत अग्रवाल और मोड लिखा होगा, मोड को क्लिक करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मेरे सारे एप्स मिल जाएंगे, जहां पर ही आपको मिल जाएगा स्मार्टफोन रिपेयर। तो मोबाइल हार्डवेयर का ये जो टूल है इसकी लिंक आपको नीचे दे रखी है, आप डायरेक्ट वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको डाउनलोड कर ले, और ये केवल 2 MB का एक एप्स है, और ये आपके मोबाइल में बिल्कुल भी मेमोरी नहीं लेगा, और ये केवल 2 MB में, और इसमें कंप्लीट आपको डाटा मिलेगा, और इसमें सारे सेक्शन इसमें हम इसमें समय समय पे उस पर अपडेट करेंगे, और उसमें हम दोस्तों पिक्चर्स भी ऐड करेंगे और वीडियो भी ऐड करेंगे। और ये ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें, और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी एप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी एप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission
9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.